ठाकुर जी की बात की जाए, लड्डू गोपाल की बात की जाए, तो उनका जन्म जितना अलौकिक है तो उनके बाल लीलाएं भी उतनी अद्भुत है। इतने धर्म है, इतने वो हैं त्योहार, इनकी पूरे सालों तक तुम करते रहो तो कितना भी कोई गरीब से भी उत्साह जरूर बनाता, खुशियाँ जरूर मनाई जाती। कितना आनंद आता है इन सारी चीज़ों का? आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। उसके लिए एक साल से इंतजार करना पड़ता है कि वो आ रहे, कृष्ण जी आ रहे। कितना आनंद आता है कृष्ण भगवान की छठी में प्रसाद बांटने में? छठी के प्रसाद बांटने में बहुत आनंद आता है। ये उनका जन्म हुआ था तो अब इनकी ये छठी बनाई गई, जन्म के बाद अब उनकी राधा अष्टमी का आएगा शुक्रवार को, तो राधा जी की बनेगी। देशभर में जन्माष्टमी का आपको उत्सव तो देखने को मिला ही होगा, मथुरा वृंदावन में जिस तरीके से अलौकिक तरीके से जन्माष्टमी बनाई गई, लेकिन उसके बाद जो है ये छह दिन का जो पर्व होता है, जब कहते हैं कि कृष्ण भगवान की जो छठी होती है, जैसे एक छोटे बच्चे का जन्म होता है और जन्म के बाद उसकी छठी बरों के कार्यक्रम होते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान की भी जो है हम लोग जो है मिल करके छठी करते हैं, छठी का उत्सव बनाते हैं, मेहमानों को भोजन होता है, छप्पन भोग बनाए जाते हैं, पकवान होता है। अब आगरा मथुरा वृंदावन की बात की जाए तो वहाँ की जो छटाएँ हैं दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है और प्रसाद जो है लोगों के बीच में जो है छठी का बांटा जा रहा है। यहाँ पर हर किसी को जो है कढ़ी चावल का वितरण कराया जा रहा है, तो समझ सकते हैं कि अगर देखा जाए तो आने वाला जो समय है वो किस तरीके से अलौकिक छटा, एक सनातन धर्म की अगर बात की जाए, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की बात की जाए, वो अलौकिक है, अद्भुत है। उनकी कहानियाँ जो हैं, जो किस्से हैं, जो कहीं ना कहीं जीवन के तमाम उद्देश्य हमें दे जाते हैं और उसको लेकर के
उत्सव जरूर मनाता है, खुशियाँ जरूर मनाई जाती है। हमारे ये त्योहारों में ये खासियत है, हमारी देवी देवताओं में ये खासियत है। ठाकुर जी की बात की जाए, लड्डू गोपाल की बात की जाए, तो उनका जन्म जितना अलौकिक है तो उनकी बाल लीलाएं भी उतनी अद्भुत है। अद्भुत कहानियां हैं, हर एक कहानी जो है कहीं ना कहीं केवल एक संदेश देने की कोशिश करती है। शायद यही बात है कि सनातन धर्म में जो है बहुत खूबसूरती से हम इन सारी चीजों को देखते हुए आते हैं। किस तरीके से काला जी का जन्म होता है, उनकी छठी मनाई जाती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पे भव्य प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं हर कोई जो है कान्हा की छठी का जो है प्रसाद ग्रहण कर रहा है, चाहे वो युवा हो कोई भी हो, हर किसी को जो है हर एक दायरे में जो है पूरी सुरक्षा के साथ में, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहाँ पर हर लोगों को जो है प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। कढ़ी चावल का जो भोग है वो लोगों को मिल रहा है। आइए और लोगों से बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। कान्हा जी की छठी का प्रसाद ग्रहण करने आए हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। छठी के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ कहानी? नहीं जी, ये बताएं। नहीं जानते, देखिए कुछ जानते नहीं है, लेकिन ये है कि बस प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं, कर रहे हैं। हालांकि बात की जाए तो अलौकिक अद्भुत, जैसे मैंने बताया ही कि क्या कुछ कहानियाँ रही है। राधा जी की अष्टमी के साथ में देखा जाए तो राधा जी की अष्टमी के और कृष्ण जी की कहानी छठी को लेकर के इस तमाम चीज़ें हैं। लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और मथुरा से लेकर के हर एक कोने पर, यहाँ दिल्ली में मौजूद हूँ और दिल्ली का जनपद मार्केट का ये इलाका है जहाँ पर पूरी तरीके से हर कोई जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर, कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था।